हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप बात करूंगा कि मेरी अर्निंग के बारे में। जैसी मेरी अर्निंग हुई है फाइनली, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था 21 जून को, और 21 जून के बाद से मैंने अभी तक जो 24 तारीख है, 24 तारीख तक मैंने कितना पैसा कमाया ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो यार, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई यूट्यूबर है, मोनेटाइजेशन ऑन है तो काफी पैसा छापता होगा। तो फाइनली मैं अपनी अर्निंग रिवील करने जा रहा हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से और कितनी मेरी अर्निंग होती है मेरे व्यूज के अकॉर्डिंग। मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको लगे कि हाँ मैं कुछ गलत दिखा रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से मैं अपनी अर्निंग जरूर दिखाऊं। तो यार, मैं अपना YouTube चैनल खोल लेता हूँ और दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि मैं कितना कमाता हूँ और कितने व्यूज पे मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं और क्या करने पे मुझे मिल रहे हैं। तो यार देख लो यार, मेरे सब्सक्राइबर है 7120 सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपनी अर्निंग की, तो मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा। पहले मैं अपनी टोटल अर्निंग दिखाऊंगा, मैंने 21 तारीख से लेके अभी तक कितना पैसा कमाया है यूट्यूब से, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि डे वाइज मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से और कितने व्यूज पे मैं कमाता हूँ। तो यार यहाँ आप देख सकते हो, ये है मेरी एस्टिमेट अर्निंग 23 जून तक की, यानी कि मेरा जो ऑन हुआ था मोनेटाइजेशन 21 तारीख को ऑन हुआ था। 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक मैंने ऑन करे हैं $1.93। अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं डॉलर टू कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपीज में, तो यहाँ मैं डॉलर डाल देता हूँ $1.93, और ये मैंने कमाए हैं अभी तक मैंने कमाए हैं ₹131। तो मात्र ₹131 अभी तक सिर्फ 3 दिनों में कमाए हैं। तो यार आप खुद देख लो, इतनी सारी वीडियोस डालने के बाद मैंने इतना कमाया। उसके बाद मैं दिखा दूं तो डे वाइज मैं कितना कमाता हूँ, कितने मेरे अर्निंग होती है, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ डे वाइज, तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा कम अर्निंग होती है एक यूट्यूबर की अगर उस पर व्यूज मिले तो। और बहुत सारे लोग कहते हैं टेक यूट्यूबर के पैसे जो होते हैं भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक यूट्यूबर बहुत कमाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। टेक यूट्यूबर उतना नहीं कमाता है जितना उन्हें कमाना चाहिए। तो यार मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं कितना कमा रहा हूँ, और अब तक मेरे टोटल व्यूज जो इंप्रेशन आए हैं, मतलब एड्स आए हैं मेरे चैनल पर, वो आए हैं 3116, और उसके ऊपर क्लिक हुए 974। तो यार क्लिक पे पैसे मिलते हैं। तो टोटल मैंने अर्निंग करी है 4 दिनों में $2.56। तो 21 तारीख को मेरे पर ऐड आए थे, मेरे वीडियो पे ऐड आए थे 777, उसकी अर्निंग बनी 70 पैसे मतलब $0.70। तो यानी कि $1 से भी कम बना है। तो उसके बाद 908 आया तो $77.77 बना। उसके बाद 271 क्लिक हुए तो तब मेरे बने $0.64, और उसके बाद 203 क्लिक हुए तो तब बने मेरे $0.45। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल अर्निंग हुई है मेरी $2.56 और एवरेज पर डे का है $0.64। तो ये थी मेरी अर्निंग मेरे अब तक यूट्यूब की। तो जो मैंने अभी तक कमाया है वो कमाया मैंने $2.5 मैंने कमाया है, और इतने कम कमाने के मतलब अगर मैं इसे अर्निंग को वो भी करता हूँ कन्वर्ट, तो मैंने अभी तक मात्र कमाए हैं ₹174 यूट्यूब से। तो आप खुद सोच सकते हो कि 4 दिन अगर मैं बाहर मेहनत करूँ कहीं पर, अगर कोई मजदूरी भी करे तो इससे ज़्यादा कमा सकता है अपने यूट्यूब से, ज़्यादा जितना यूट्यूब पर मेहनत करने पर कमा रहा है। तो यार आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि एक यूट्यूबर कितना कमाता है अपने यूट्यूब चैनल से। तो मेनली जो यूट्यूबर कमाता है यार वो कमाता है स्पॉन्सरशिप से, ना कि यूट्यूब से कोई पैसा उतना मिल पाता है अच्छा खासा कि इससे घर चले या कुछ चले। तो YouTube का पैसा तो भाई पता ही नहीं चलता कब आता है कब नहीं, और इस हिसाब से सोच लो $100 कमाने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। $100 कमाने में मुझे कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो गाइस मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर करूं कि एक इंडियन यूट्यूबर कितना कमाता है, और जबकि टेक यूट्यूब में सबसे ज्यादा पैसा आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना। आपके कोई भी विचार है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।